Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, today our topic is monuments constructed during Mughal period. Architecture during the Mughal period was much more magnificent as compared to other periods. जो मुगल पीरियड में मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए गए वो बहुत ज्यादा फेमस है, मैग्निफिकेंट है, अगर हम उनको कंपेयर करेंगे दूसरे पीरियड्स के साथ, लाइक जो सिलेवस के दौर में मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए गए या जो खिलजीज के दौर में मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए गए. जो मुगल दौर में मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए गए वो आज भी पूरे वर्ल्ड में फेमस है. दिस वॉज बिकॉज ऑफ टू रीजन्स. इसके टू मेन रीजन्स है. फर्स्ट इज देयर वॉज स्टेबिलिटी इन द एम्पायर. जो मुगल एम्पायर थी वो स्टेबल थी, which enabled the emperors to pay attention to architecture. जब government stable होगी तब जो rulers होंगे वो उनको बहुत ज्यादा time होता है monuments construct करने के लिए. Second, the Mughals had more funds at their disposal to spend on monuments. उनके पास बहुत ज्यादा funds थे जो वो खर्च कर सकते थे monuments को construct करने के लिए. जो बाकी dynasties थे, ruling dynasties, उनके पास उतने ज्यादा funds available नहीं होते थे क्योंकि वो ज्यादातर वार्स में एंगेज होते थे. लेकिन जो मुगल्स की हुकूमत थी ये बिल्कुल स्टेबल थी, डेट इज वाई इनके पास बहुत ज्यादा फंड्स भी थे मॉन्यूमेंट्स पर खर्च करने के लिए. इसीलिए उनके इनके जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है और इनके दौर में बहुत बड़े ग्रैंड स्ट्रक्चर्स खड़ा किए गए. अब हम देखेंगे फीचर्स जो मुगल दौर में मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए गए उसके कुछ मेन फीचर्स क्या है. The arch and dome continued to be used. जो हमने पिछले वाले पार्ट में देखा arch and dome continued to be used. जो structure से एक तो arch में जब वो entrance होता था U-shaped, उल्टा U-shaped होता था तो इसमें भी वो use करते थे जो इनके दौर में monuments constructed किए गए. And dome shaped जो pyramid जैसे वो structures खड़ा करते थे. Second, full domes become very common. इससे पहले हमने देखा जो डोम शेप्ड कंस्ट्रक्शन होते थे वो हाफ डोम होते थे लेकिन इसमें फुल डोम्स यूज किए गए. टॉम्ब्स बिगन टू बी प्लेस्ड ऑन स्टोन प्लेटफॉर्म्स एनक्लोज्ड इन जियोमेट्रिकल गार्डन्स विथ रनिंग वाटर कॉल्ड चारबाग पैटर्न. जो टॉम्ब्स यूज कंस्ट्रक्ट किए गए बिगन टू बी प्लेस्ड ऑन स्टोन प्लेटफॉर्म्स भी enclosed in geometrical gardens. जो gardens अगर हम आज भी देखेंगे जहाँ कश्मीर में भी देखेंगे बहुत सारे gardens मुगल्स ने कंस्ट्रक्ट बनाए हैं वहां पे बड़े बड़े structures है with running water called चारबाग pattern जिसको चारबाग pattern कहते थे. Some tombs and mosques had minarets. कुछ tombs and mosques जो है उनको मीनार जो आज भी हम देखते हैं बहुत सारे मीनार कंस्ट्रक्ट किए गए और हम भी आज जब मास्क कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको हम ऊपर मीनार बनाते हैं. इसी तरह जो जब मुगल्स कंस्ट्रक्ट करते थे वो टॉम्ब्स और मास्क पे ऊपर मीनार बनाते थे. रेड स्टोन्स एंड व्हाइट मार्बल वेयर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन. जो वो कंस्ट्रक्शन करते थे मॉन्यूमेंट्स जो बनाते थे मास्क या टॉम्ब्स जितने भी बनाते थे उसमें वो ज्यादातर रेड स्टोन्स एंड व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल करते थे. उसके कंस्ट्रक्शन में वो रेड स्टोन्स एंड व्हाइट मार्बल का ज्यादा इस्तेमाल करते थे. मोस्ट स्ट्रक्चर्स वेयर डेकोरेटेड विद जियोमेट्रिकल डिजाइन्स. मोस्ट स्ट्रक्चर्स जो है उनको जियोमेट्रिकल डिजाइन से डेकोरेट किया जाता था. कुरानिक वर्सेस वेयर आल्सो एनग्रेव्ड ऑन सम. कुछ ऐसे भी मॉन्यूमेंट्स है जहां पे वो कुरानिक वर्सेस जो है लिखते थे और उसे डेकोरेट करते थे. वी विल डिस्कस द मॉन्यूमेंट्स constructed by Babur, the founder of Mughal rule in India. Babur introduced garden palaces in India. He built palaces at Agra, Sikri and Dholpur. उसने garden palaces constructed किए यहाँ पर. एक तो आगरा में, सिकरी में, फतेहपुर सिकरी. आगरा और सिकरी दोनों उत्तर प्रदेश में है एंड Dholpur जो राजस्थान में है वहां पे उसने garden palaces constructed किए. एंड ही ऑल्सो बिल्ट ए मास्क एट पानीपत. उसने एक मास्क भी कंस्ट्रक्ट की पानीपत में. अब हम देखेंगे हुमायूं के दौर में किस तरह की कंस्ट्रक्शन हुई. जो सेकंड रूलर था मुगल डायनेस्टी का इंडिया में जो बाबर का सन था. हुमायूं डिड नॉट बिल्ड मेनी स्ट्रक्चर्स. उसने ज्यादा स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट नहीं किए क्योंकि उसका जो पीरियड था ज्यादातर वो वारस के साथ एंगेज रहा, शेरशाह सूरी के साथ.
His tomb in Delhi was built by his widow. उसका जो टॉम है, जो हुमायूंस टॉम है, वो बहुत ज्यादा फेमस है पूरे दुनिया में. उसको किसने कंस्ट्रक्ट किया? हिज विडो हमीदा बानो बेगम. उसकी जो वाइफ थी हमीदा बानो बेगम, हुमायूं के मरने के बाद उसको कंस्ट्रक्ट किया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर. जब अकबर की हुकूमत थी उसकी, उसी दौर में हमीदा बानो बेगम ने टॉम जो है हुमायूं का कंस्ट्रक्ट किया. अब हम देखेंगे दे सूरज, जो जब सूरज थे डेट मीन्स शेरशाह सूरी के दौर में किस तरह की कंस्ट्रक्शन हुई. शेरशाह लार्ज स्टेटली टॉम एट सासाराम बिहार इज सिचुएटेड इन देयर मिडल ऑफ लेक. ये बहुत ज्यादा फेमस है जो सासाराम बिहार में उसका टॉम जो है लोकेटेड है. ये बिल्कुल लेक के बिल्कुल बीच में लोकेटेड है. इट इज स्टेटली टॉम, ये लार्ज टॉम है. पैरामिड शेपड द पुराना किला यानी दैट मीन्स ओल्ड फोर्ट एट दिल्ली वॉज बिल्ड बाय शेरशाह. जो पुराना किला या जिसको हम ओल्ड फोर्ट कहते हैं दिल्ली में, उसको भी शेरशाह ने कंस्ट्रक्ट किया है. द किलाए खाना मस्जिद एट द शेर मंडल आर टू ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर्स इन द फोर्ट कॉम्प्लेक्स. जो ये फोर्ट कॉम्प्लेक्स है ओल्ड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, वहां पे टू और स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट किए गए. एक तो किलाए खाना मस्जिद एंड द शेरशाह मंडल, ये दो स्ट्रक्चर्स इस कॉम्प्लेक्स में कंस्ट्रक्ट किए गए. एक तो किलाए खाना मस्जिद एंड शेर मंडल, ये दो स्ट्रक्चर्स ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स है इस ओल्ड फोर्ट में कंस्ट्रक्ट किए गए. अब हम देखेंगे मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर. अकबर's ruins are fusion of Persian centralization and regional style of architecture. अकबर के दौर में Persian centralization and regional style of architecture को मिक्स किया गया. This resulted in the creation of new style. उसे क्या हुआ कि एक नया स्टाइल वजूद में आया. It can be seen in the structures at Fatehpur Sikri. वो हमें फतेहपुर सिकरी में मिलता है. जो नया स्टाइल वजूद में आया उस स्टाइल में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स फतेहपुर सिकरी में कंस्ट्रक्ट किए गए. द न्यू कैपिटल दैट अकबर बिल्ड नियर आगरा, जो नया कैपिटल अकबर ने आगरा के नजदीक कंस्ट्रक्ट किया गया फतेहपुर सिकरी. द बिल्डिंग्स हियर आर इन रेड सैंडस्टोन्स. जो यहाँ पे बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट किए गए वो ज्यादातर रेड स्टोन्स के कंस्ट्रक्ट किए गए. The tomb of Sheikh Salim Chasti is constructed with white marble. लेकिन जो सलीम चश्ती का टॉम कंस्ट्रक्ट किया गया, जो अकबर ने कंस्ट्रक्ट किया, उसमें रेड मार्बल यूज किया गया. He also built आगरा फोर्ट. आगरा फोर्ट भी अकबर के दौर में ही कंस्ट्रक्ट किया गया. अब हम देखेंगे जहांगीर के दौर में किस तरह की कंस्ट्रक्शन हुई. जहांगीर के दौर में ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हुई. He built a tomb of अकबर at सिकंदरा नियर आगरा. उसने अकबर का टॉम बनाया कहां पे? सिकंदरा नियर आगरा. आगरा के नजदीक एक जगह है सिकंदरा, वहां पे जहांगीर ने अकबर का टॉम बनाया. द टॉम ऑफ एतमादुद्दीन दौला एट आगरा बिल्ड बाई नूरजहां. एतमादुद्दीन दौला का टॉम जो है वो नूरजहां ने कंस्ट्रक्ट किया. कहां पे? वो भी आगरा में कंस्ट्रक्ट किया.